नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोलिंग प्रोसेस के बारे में। रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। रोलिंग प्रोसेस के वर्किंग के बारे में जानेंगे, इसके कितने टाइप होते हैं इनके बारे में जानेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं रोलिंग प्रोसेस और इसके टाइप्स के बारे में। अगर हम बात करें रोलिंग प्रोसेस के बारे में, तो रोलिंग प्रोसेस जो है एक मेटल फॉर्मिंग मेथड है। जैसे कि आपके बहुत सारे मेटल फॉर्मिंग मेथड होते हैं, जैसे आपका हो गया कास्टिंग, हो गया फोर्जिंग, हो गया, ये सारे जो है मेटल फॉर्मिंग मेथड है जिनकी सहायता से हम मेटल को एक शेप देते हैं, एक साइज देते हैं। तो उनमें से एक प्रोसेस है रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल मटेरियल होता है जो कि मेटल इनगोट होता है, इसको हम कंप्रेस्ड करते हैं दो या दो से अधिक रोटेटिंग रोलर्स के बीच में। और जब हम मेटल इनगोट को इन रोलर के बीच से कंप्रेस करते हैं तो उस पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, जिसकी सहायता से उसका शेप और साइज जो है चेंज हो जाता है और हमको जो डिजायर्ड साइज या शेप चाहिए होता है वो हमको मिल जाता है, जो हमने पैरामीटर सेट किए होते हैं उनकी सहायता से। एक चीज़ यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं रोलिंग प्रोसेस में, जो दो रोलर होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, वो जो हमारा मेटल जो कि हम पास करा रहे हैं उसके बीच से, उसके थिकनेस से कम होना चाहिए, तभी हमको डिजायर थिकनेस मिल पाएगी और इससे हमको जो है मेटल के फॉरवर्ड मोशन कराने में भी मदद मिलती है। दो रोलर के बीच में जब हम मेटल पास कराते हैं तो फॉरवर्ड मोशन जो होता है, जब हम थिकनेस जो है कम रखेंगे दो रोलर के बीच में मेटल के थिकनेस से, तो उसके मूवमेंट में हमको आसानी होगी। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है इसकी थिकनेस जो है कम हो जाती है और इसकी लेंथ और विड्थ जो है बढ़ जाती है, जबकि जो ओवरऑल वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस फोटो की सहायता से आप वर्किंग प्रिंसिपल समझ सकते हैं रोलिंग प्रोसेस का। ये जो है आपका इनिशियल मेटल है, ये आप देख सकते हैं इसके जो ग्रेन है ये क्या है, आपके ओल्ड हैं, ओल्ड ग्रेन है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। लेकिन यहीं जब इस मेटल को हम इन दो रोलर के बीच से पास करा देते हैं तो इसके क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, इसके क्रिस्टल जो होते हैं, इसके ग्रेन जो होते हैं वो रिफॉर्म हो जाते हैं और इनके जो है लेंथ बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं इलोंगेटेड ग्रेन्स हैं और इनके बीच में जो गैप होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो डिफेक्ट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं रोलिंग के बाद। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है, ये आप देख सकते हैं ये दोनों रोलर जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस तरह से फॉरवर्ड मोशन होता है मेटल का, जो कि रोलर के बीच से पास करता है और इसकी थिकनेस कम हो जाती है और हमको डिजायर थिकनेस मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रोलिंग प्रोसेस में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनके बारे में। यहाँ पे पहला जो आपका टर्म है वो है इनगोट। इनगोट बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मेटल होते हैं उनको सबसे पहले माइंस से निकाला जाता है, उनका खनन होता है और फिर वो रिफाइनरी में आते हैं, उनकी रिफाइनरी होती है और उनको जो है ढाला जाता है। ये आप देख सकते हैं जब जो है मेटल की रिफाइनरी हो जाती है तो इनको जो है इनगोट के रूप में जो है मोटे मोटे इस तरह की इनगोट के रूप में जो है ढाला जाता है कास्टिंग प्रोसेस की सहायता से। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनगोट बोलते हैं, जो कि साइज में काफ़ी हैवी होते हैं और बल्की होते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो इनगोट होता है इसको कास्टिंग के सहायता से हम डालते हैं और इसमें जो है इनिशियली जो है बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। इनगोट जो होते हैं वेरी लार्ज कास्टिंग प्रोडक्ट होते हैं। इनगोट जो होते हैं साइज और शेप में ब्लूम, बैलेट्स और स्लैब से बहुत ही बड़े होते हैं। इनगोट जो होते हैं इनको जनरली जो है रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में जो है ढाला जाता है, बट ये नेसेसरी नहीं होता है कि ये जो है लेंथ के अलोंग जो है यूनिफॉर्म हो। इनके लेंथ के अलोंग जो है इनका क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लूम की। ब्लूम जो होते हैं फर्स्ट रोल प्रोडक्ट होते हैं। जब हम इनगोट की जो है रोलिंग करते हैं तो हमको ब्लूम प्राप्त होता है और इनका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये 230 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है ज़्यादा होता है। जब हम ब्लूम की फर्दर रोलिंग करते हैं तब हमको बिलेट जो है प्राप्त होता है और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जनरली 1600 mm स्क्वायर से ज़्यादा होता है। स्लैब जो है हॉट रोल्ड इनगोट होते हैं जिनका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है और इनकी जो विड्थ होती है इनके थिकनेस से दो गुनी होती है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया ये आपका हो गया इनगोट।
ये आपका हो गया ब्लूम, यह है आपका बिलेट और यह है आपका स्लैब। इन जो है चारों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इमेज की सहायता से भी आप इसको समझ सकते हैं। कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्लेट जो है एक मिल प्रोडक्ट होता है, यानी जो है रोलिंग मिल जो होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है, जिसकी थिकनेस जनरली जो है 6 mm से ज़्यादा होती है, उसको हम प्लेट के रूप में कंसीडर करते हैं। अगला है आपका यहाँ पे सीट। सीट भी जो है एक मिल प्रोडक्ट होता है, जिसकी थिकनेस जो है 6 mm से कम और विड्थ जो है 600 mm से जो है ज़्यादा होती है, उसको हम जो है सीट के रूप में कंसीडर करते हैं। स्ट्रिप भी जो है मिल प्रोडक्ट है, रोलिंग मिल की सहायता से इसको प्राप्त किया जाता है। इसकी थिकनेस 6 mm से कम होती है और विड्थ भी जो है 600 mm से कम होती है। अगर बात करें हम फॉयल की, फॉयल जो होता है ये भी एक स्ट्रिप होता है, लेकिन ये बहुत ही थिन होता है, जिसकी जो है विड्थ जो होती है 300 mm होती है लगभग, और इसकी थिकनेस हो सकती है 1.5 mm मैक्सिमम। तो बार जो होता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सिलेंडर के रूप में होता है। अगला है आपका वायर। अगर वायर की हम बात करें तो वायर भी है, एक बार है, लेकिन इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया 9.5 mm स्क्वायर तक भी जा सकता है। जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये आपकी हो गई प्लेट, ये आपकी हो गई सीट, ये आपका हो गया स्ट्रिप, ये आपका हो गया फॉयल, ये आपका हो गया बार। बार में भी कई तरह के बार होते हैं, जैसे एक ब्राइट बार होता है, एक ब्लैक बार होता है, ये आपका हो गया वायर। तो ये सारे रोलिंग मिल के ही प्रोडक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं रोलिंग प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है। तो रोलिंग प्रोसेस के बेसिकली 3 stage होते हैं। 3 stage में जो हमारा रोलिंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। एज पर एप्लीकेशन हम किस स्टेज का मटेरियल हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जो है मटेरियल को लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी रोलिंग। प्राइमरी रोलिंग में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो इनगोट होते हैं जो कि कास्टिंग से हमको मिलते हैं, इसको क्या करते हैं सिंपल स्टॉक, जैसे ब्लूम और स्लैब में हम प्राइमरी रोलिंग में इनगोट को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा इनगोट होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है ब्लूम, स्लैब और बिलेट में, इसका स्ट्रक्चर, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और जो इसके इंटरनल डिफेक्ट होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रक्चर भी इसका इम्प्रूव हो जाता है, इसके ग्रेन जो है रिफाइन हो जाते हैं, एक ऑर्डर में आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया प्राइमरी रोलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, इनगोट को हम जो है ब्लूम, स्लैब और बिलेट में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो आपका स्टेज है, या आप टाइप कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लूम और स्लैब होता है जो कि हमको प्राइमरी रोलिंग से प्राप्त होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्लेट, शीट, रॉड्स और अदर जो सेकेंडरी जो है प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम जो है इसको हॉट रोलिंग की सहायता से कन्वर्ट करते हैं। हॉट रोलिंग में जो हमारा मेटल होता है उसका जो टेम्परेचर होता है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव होता है। जो भी मेटल हो, कास्ट आयरन हो आपका या माइल्ड स्टील हो या जो भी मेटल है, अगर उसकी अगर हम हॉट रोलिंग कर रहे हैं तो उस समय जो टेम्परेचर होगा उस मेटल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव होगा, तब हम उसको बोलते हैं हॉट रोलिंग। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। हॉट रोलिंग के बाद जो मेटल होते हैं जब ये श्रिंक होते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हैं, इनके साइज और शेप पे हमें लेस कंट्रोल होता है। हॉट रोलिंग जो कि एनलिंग या टेम्परिंग रोलिंग भी जिसे हम कहते हैं, इसके बाद जो है मटेरियल को कूल किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की, तो एक बार देख लेते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में क्या होता है, जो मेटल के ग्रेन्स होते हैं वो रिफॉर्म हो जाते हैं। जो पहले ग्रेन्स पहले एक रेंडम ऑर्डर में रहते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है मेटल का, और उसमें जो डिफेक्ट होते हैं और इम्प्यूरिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में जो मेटल के ओल्ड ग्रेन्स होते हैं जो कि रेंडम ऑर्डर में होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं न्यू सेट ऑफ डिफेक्ट फ्री ग्रेन से। अब हम बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कैसे डिसाइड करते हैं, ये कैसे डिपेंड होता है, इसको कैसे हम कंसीडर करते हैं। किसी मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट और उसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें प्योर मेटल की, तो प्योर मेटल का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ये 0.3 to 0.4
टीएम होता है, यानी 0.3 to 0.4 टीएम यहाँ पे आपका मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय के लिए जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट के 0.5 गुना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से पहले जो है मटेरियल है इसके जो है ग्रेन जो है एक रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो कि एनलिंग होता है उसके बाद इसके मटेरियल आप देख सकते हैं कैसे एक क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं और एक जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। चलिए अगर हम चलते हैं हॉट रोलिंग प्रोसेस पे, ये आप देख सकते हैं ये हॉट रोलिंग प्रोसेस है। इसकी सहायता से आप देख सकते हैं दो रोलर है और इसके बीच में हॉट मेटल जो है उसको पास किया जा रहा है जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर इसको जो है हीट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और पास होने के बाद इसकी थिकनेस जो है कम हो जा रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हॉट रोलिंग प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे भी मेटल को पास किया जा रहा है हॉट रोलर, यहाँ पे भी हॉट मेटल को पास किया जा रहा है रोलर के बीच से। और जब ये मेटल आगे आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चैम्बर है ये जो है कोल्ड चैम्बर है, यहाँ पे इसे वाटर कूलिंग होती है, मेटल को यहाँ पे ठंडा किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका हॉट रोलिंग प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं हॉट रोलिंग मेटल जो होते हैं इनके फीचर और इनके एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले इनके फीचर के बारे में हम देख लेते हैं। हॉट रोलिंग की जो फिनिश होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती है, इसमें जो है आपके बर और इस तरह के जो है इम्प्योरिटी जो होती हैं जिनको हम पिकलिंग ग्राइंडिंग या सैंड ब्लास्टिंग के सहायता से जो है रिमूव करते हैं। हॉट रोलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो राउंड एज और कॉर्नर प्लेट्स के लिए जो है सूटेबल होते हैं। और हॉट रोलिंग में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है रोलर और मेटल के बीच में ये काफ़ी हाई होता है। और हॉट रोलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्लाइटली डिस्टॉर्टेड होते हैं, यानी कि आप इसको तोड़ मड़ोड़ सकते हैं, इनकी हार्डनेस कम होती है, ये जो है डक्टाइल होते हैं तो इसमें डिस्टॉर्शन आसानी से आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया जो हॉट रोल के प्रोडक्ट होते हैं वो मोर मेलेबल होते हैं जिसकी मदद से हम इनको वेरियस शेप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी डक्टिलिटी और टफनेस जो है ज़्यादा होती है और ये जो है चीपर होते हैं देन कोल्ड रोलिंग प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ये चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड रोल प्रोडक्ट और ये बिना डीले के जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बनाए जाते हैं। और इनका यूज ज़्यादातर वहाँ पे होता है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज या बहुत ज़्यादा जो है क्लोज टॉलरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि रेल रोड ट्रैक्स आई बीम्स सीट मेटल्स फैब्रिकेशन इनमें इनका यूज होता है। एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट होते हैं इनमें जो है हॉट रोल प्रोडक्ट का यूज होता है। मेटल बिल्डिंग में जो है हॉट रोल प्रोडक्ट का यूज होता है। स्टैम्पिंग जो होता है यहाँ पे जो है इनमें जो है हॉट रोल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ऑटोमोटिव जो फ्रेम्स होते हैं इनमें जो हम हॉट रोल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो मेरी कंपनी में ये जो कंपोनेंट बनते हैं जो कि HR शीट से बनते हैं यानी हॉट रोल्ड शीट से बनते हैं, ये जो है रेलवे के कंपोनेंट है जिसको हम लोग बना के थर्ड पार्टी को देते हैं फिर वो पार्टी रेलवे को देती है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के एप्लीकेशन जो है हॉट रोल प्रोडक्ट के होते हैं। ये तो हो गई हॉट रोलिंग। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड रोलिंग की जो कि रोलिंग प्रोसेस का तीसरा स्टेज होता है। कोल्ड रोलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं जो हॉट रोल्ड सीट होती हैं इनकी फर्दर रोलिंग करते हैं हम कोल्ड रोलिंग में, यानी जो कोल्ड रोलिंग होता है इसमें जो मेटल का टेम्परेचर होता है वो उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होता है। जो कोल्ड रोलिंग होता है इसमें जो है फाइनल फिनिशिंग होती है, यानी कोल्ड रोल प्रोडक्ट में आपको सरफेस फिनिश अच्छी मिलेगी, क्लोजर टॉलरेंस आपको मिलेगा और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है और इन्हेंस हो जाती है। और कोल्ड रोल जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट रोल्ड प्रोडक्ट। कोल्ड रोलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 20% स्ट्रॉन्गर होते हैं देन हॉट रोल्ड। ये आप देख सकते हैं ये जो एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कैसे रोलिंग प्रोसेस होता है। इनिशियली क्या होता है जो हमको कास्टिंग के द्वारा इनगोट जो हमको प्राप्त होता है उसकी हम प्राइमरी रोलिंग करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं बिलेट ब्लूम और स्लैब में। फिर हम बिलेट ब्लूम और स्लैब की जो है हॉट रोलिंग की सहायता से कन्वर्ट करते हैं इसको सीट और वायर में। अगेन हॉट रोलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कोल्ड रोलिंग की सहायता से हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट में, जो कि आपका सीट हो सकता है, वायर हो सकता है, आपकी प्लेट हो सकती है जिनकी सरफेस फिनिश अच्छी रहती है
उनमें जहाँ पे क्लोजर टॉलरेंस की आवश्यकता होती है वहाँ पे उनका हम यूज करते हैं। तो ये जो है PFT है, इसके सहायता से भी आप रोलिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हॉट रोलिंग प्रोसेस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हॉट रोलिंग प्लांट है, यहाँ पे हॉट रोलिंग हो रही है। ये जो है सीट, इसकी हॉट रोलिंग हो रही है। इसको बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसको रोल किया जा रहा है, देन इसको कन्वर्ट किया जाएगा प्लेट और सीट के रूप में। अगर आप इस फोटो को भी देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे थिकनेस कम है, इस फॉयल को जो है हॉट रोलिंग की सहायता से यहाँ पे बनाया जा रहा है। कोल्ड रोलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं ये जो है काफ़ी प्रिसाइज होते हैं। यहाँ पे यानी आपको जहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज टॉलरेंस, प्रिसाइज साइज या क्लोजर टॉलरेंस की आवश्यकता होती है वहाँ पे आप कोल्ड रोलिंग के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो है हार्डर और स्ट्रॉन्गर होते हैं देन हॉट रोल्ड सीट। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है रोलर और मेटल के बीच में कम होता है एज कम्पेयर टू हॉट रोलिंग। कोल्ड रोलिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी हार्डनेस बढ़ जाती है और ये इनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है अगेंस्ट टेंशन ब्रेकिंग। अगर टेंसाइल लोड देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक बियर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हॉट रोल्ड सीट। कोल्ड रोल के जो प्रोडक्ट होते हैं ये देखने में भी अच्छे होते हैं, इनकी सरफेस फिनिश भी अच्छी होती है और ये क्लोजर टॉलरेंस में भी होते हैं। जहाँ पे आपको बहुत ही क्लोज टॉलरेंस की आवश्यकता होती है वहाँ पे आप कोल्ड रोल्ड सीट का यूज करते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, कोल्ड रोल्ड सीट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टॉलरेंस, सरफेस फिनिश, कंसेंट्रिसिटी, स्ट्रेटनेस ये जो है मेजर फैक्टर होते हैं, इनको हमको कंसीडर करना होता है। ये जो है क्रिटिकल फैक्टर होते हैं। अगर हमको विजुअल अपीयरेंस बहुत ही अच्छा दिखाना है, सीट अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है देखने में अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे हम CR का यूज करते हैं। जैसे कि होम अप्लायंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज होता है CR मेटल का। मेटल फर्नीचर में होता है आपका, एरोस्पेस स्ट्रक्चर कंपोनेंट में यूज होता है, ऑटोमोटिव के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कोल्ड रोल्ड सीट का यूज होता है। तो ये जो है कोल्ड रोलिंग के एप्लीकेशन है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में देखा रोलिंग प्रोसेस के बारे में, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, रोलिंग प्रोसेस कितने टाइप का होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या होता है। अगले वीडियो में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, रोलिंग के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में, कितने टाइप्स के रोलिंग मिल्स होते हैं, क्योंकि अगर उनको मैं इसमें इंक्लूड करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा हो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, पीस आउट।